उम्र ना गवा दे मैं तो वाक्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो जैसे आपने टाइटल देखा आपको मालूम चल गया वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मेरे हेयर काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुके हैं, तो मैं जरा सा भी गंदा नहीं दिखने जाता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ सलून में, मस्त हेयर कट वगैरह करके आता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे बकवास नहीं करूंगा, मेरे को लेट हो रहा है, जिसके लिए आप इंतजार करो, मैं भी मॉर्निंग से उसी चीज के लिए इंतजार कर रहा हूँ। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। ये देख सकते हैं ये है टैनली 502, एकदम बीस्ट है। मैं इसको फर्स्ट टाइम मैंने इतना हैवी बाइक में चला रहा हूँ, डोमिनार 400 के ऊपर मैंने कोई बाइक नहीं चलाया था, लेकिन ये चलाने के बाद लग रहा है कि क्या बीस्ट मशीन है। इसको चलाने के बाद मजा आ गया, बीस्ट बाइक है एंड व्हाइट कलर, तो आपको मालूम है कि व्हाइट कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि पूरे जयगांव या फिर बोलो पूरा अलीपुर द्वार में सिर्फ ये एक पीस है बाइक। तो वन ऑफ द माय फ्रेंड, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि जयगांव में एक जन ने जो है वो टैनली 502 लिया है, तो फिर मैंने बोला क्यों नहीं भाई हम भी मिले उनसे और मैं बाइक भी जरा देखूं, एकदम बीस्ट मॉन्स्टर है जयगांव के अंदर। तो यहाँ पे फ्रेंड का जो फ्रेंड है मनीष भैया, तो यहाँ पे देखो ये है ओनर इस बाइक इस बीस्ट का। तो आपने ये बाइक परचेस किया, तो आपने क्या सोचा कि क्या मोटिव है इस बाइक को परचेस करने में? मेरा मोटिव ये है कि मेरा दोस्त हो गए या भैया लोग हैं जो जयगांव रॉयल राइडर्स में, उनका ही थ्रू मुझे ये जस्ट बाइक का एक शौक अच्छा, अपने आप में पैदा हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे उन लोग का टूर है जो ले लद्दाख जाने का। हाँ जी हाँ जी, बहुत टाइम से एक्चुअली चल रहा है। यस यस, ऑल ओवर ये आपका अलीपुर से लेके यहाँ तक में सिर्फ एक पीस है एंड नॉर्थ तक में एक से दो पीस होगा, कंफर्मेशन नहीं है, नहीं तो आप बोल सकते ये सिंगल पीस है। तो ये बीस्ट आप देख सकते हो, व्हाइट कलर काफी अच्छा लग रहा है, काफी हंक लुक है। 6,80,000 to 20,000 ऑन रोड प्राइस है एंड फिर बाकी सब करते 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 यू नो तो 7 lakh अराउंड जो है इंस्टॉलमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ जाता है। एंड ये मतलब जब आपने ये बाइक को फर्स्ट टाइम राइड किया या फिर आपने जब देखा तो कैसा आपको लुक लगा? अंक है ना, मतलब मैं आप मेरे स्माइल से समझ सकते हो मैंने इतना हैवी बाइक कभी नहीं चलाया, और ये जब मैं चलाया ना फील है, मतलब इस बाइक का फील है कि क्या बाइक है। एंड इसमें आप क्या क्या चेंजेस किए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा? नो चेंजेस, जैसा जो आया फ्रॉम कंपनी, जैसा जो कंपनी से, एकदम बीस्ट आपने। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ बीस्ट के घर में, भैया थे बैक कैमरा में, बहुत थैंक यू सो मच। जितना फुटेज आपने देखा सब भैया ने रिकॉर्ड किया था। भैया आपको ये बाइक कैसा लगा बताओ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल। अभी हम लोग वहां से हम लोग आए यहाँ तक चला के एकदम मजा आ गया, मैं पीछे बैठा था, पीछे इतना मस्त है ना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ब्लॉग्स। ओके थैंक यू। आने पे ताने दे उनकी सुनेना, देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और तो गाइस घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ रॉक भाई एंड प्रेम भाई के घर पे इन लोगों को पिक करने, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग को जाना है टिकट कटाने के लिए सिक्किम के लिए, आपने जैसा टाइटल पढ़ा होगा। वेरी एक्साइटेड भाई, बहुत मजा आने वाला है सिक्किम में, हम लोग को बहुत मजा करेंगे। लेकिन गाइस मैंने सुना वहाँ पे बहुत ठंडा होता है। और प्रेम भाई का जैकेट मैं ले लूंगा बस भाई। अरे जैकेट इतना मोटा हो, मेरा देखो हड्डी है सिर्फ, और फिर भी तुम मेरा जैकेट लो। लेकिन चश्मा लगाओ ना भाई, चश्मा लगाओ ना। ओ हैंडसम, एंड वी हैव प्रेम भाई ब्लॉगिंग करते हुए, एंड प्रेम भाई ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो प्लीज जाके चेक करो,
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. थैंक यू सो मच ब्रदर. फाइनली वी हैव अ फेमस सेलिब्रिटी इन आवर वीडियो, रॉक लामा. तो हम लोग का जो प्लान बन रहा है ना वो, भाई इधर आ जा भाई, हम लोग तीन व्लॉगर जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो मस्त तीन कैमरा, तीन व्लॉगर जा रहे हैं सिक्किम, एकदम आग तबाही बजाने वाले सबके वीडियोज में. तो सबका जो व्लॉग है आने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हम तीनों का मस्त वाला वीडियो आने वाला है, एंड रॉक का तो बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है दोनों ही चैनल पे. अभी आ रहे हैं, इसका जैकेट का जरूरत ही नहीं, इसका ये पूरा शरीर ही पूरा जैकेट से भरा हुआ है. जैकेट भाई ठंडा बहुत है वहाँ पे, रात को ना 8-9 चल जाता आराम से. अभी के टाइम में जब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे और टेम्परेचर गिर जाएगा. एंड नथुला पास तो भाई दिसंबर 25 तक में बंद हो जाता है, इतना स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल की वजह से. ये देखो गाइस खेल रहा है, हाथ दो हाथ 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 दो हाथ दो, वो देखो हाथ देता है पूरा, बहुत खेलता है ये, बहुत खेलता है, फुल एक्टिव. ओ हो मेरे रांझना बता देना. चावल बेसी हो गया है कि हो गया, हो गया. लास्ट लास्ट ब्रदर, लास्ट ब्रदर, मत खिला हमको. पांच पांच कटोर लेके बैठा, मत खिला. ये बीच का ही था, दाल चना अंडा योगी सी सब्जी आलू. चलिए शुरू करते हैं. गाइस एक डल्ले गुंसानी पूरा ही खा दिया एक ही बार में, चबा दिया. अंकित सर क्या हुआ? अंकित सर खट्टा है कुछ नहीं हुआ गाइस, बच गया मैं. अच्छा चलो बच गया, नहीं तो इसका भी आज तो हैप्पी बर्थडे. रॉक का मम्मी ने एकदम मस्त पेट भर के मेरे को खिलाया, और अभी मैं जा रहा हूँ जयगांव टिकट कटाने. बहुत ज्यादा लेट है, मुझे लग नहीं रहा कि कल का टिकट हम लोगों को मिलेगा. अभी क्या है टूरिस्ट टाइम है, और अभी टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. दुबई का तेल हम लोग ने अब भी लेके आया दुबई से. अपनी तरफ देखो यहाँ, रॉक भाई का यहाँ पे जो आईफोन है अभी बहुत तगड़ा वाला, यहाँ पे मतलब ट्रक से जो यहाँ पे ट्रक देख रहे हो ना उससे एक्सीडेंट हो गया बोल सकते हो. कैमरा बच गया, कैमरा कैमरा जाता तो फिर प्लान का क्या होता, कैंसिल हो जाता और क्या. ऐसा मतलब शुभ शुभ बोल दोस्त, प्लान कैंसिल हो जाए, प्लान कैंसिल हो जाए. सो गाइस अभी हम लोग भूटान गेट के तरफ में आए हुए, देख सकते हो पीछे भूटान गेट है, और यहाँ से हम लोगों को टिकट मिलेगा डायरेक्ट क्या बोलते हैं जयगांव टू गैंगटॉक के लिए डायरेक्ट मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो फिर सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, फिर सिलीगुड़ी से लेना पड़ेगा, तो बहुत झंझट हो जाएगा. कोशिश करेंगे कि भाई अपने को यहीं पे मिल जाए. और ये है अपना भूटान गेट, और ये है अपना प्रेम चोपड़ा, ये है अपना रॉक लामा. भैया तीन टिकट दीजिएगा, गैंगटॉक जा रहे हैं, मजा आएगा भाई, फाइनली टिकट मिल गया. तो यहाँ पे गाड़ी भी दिखा देते हैं जो कल हम लोग के साथ गाड़ी जाएगा, एकदम धो के एकदम नया करके रखा हुआ इन लोगों ने. ये रहा भाई शेयरिंग टैक्सी है, ये वाला में हम लोग गैंगटॉक जाने वाले हैं मस्त तरीके से. लास्ट सीट है पूरा तो सुना नहीं बात उस खबरी पहले ही, लेकिन हम लोग को व्लॉगिंग करेगा ना तो हम लोग को थोड़ा किसी चीज़ हम लोग व्यू दिखा पाए. भाई मैं तो बहुत वॉमिटिंग वाला आदमी हूँ, और सीट हम लोग को मिल रहा है पीछे, तो मैं रॉक लामा का अच्छा मजा आएगा. हम लोग को जो सीट मिल रहा है पीछे का तरफ मिल रहा है. अच्छा खिड़की खुलता है दोस्त, चल जाएगा अपने, हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे बैठेगा. हाँ यहाँ पे भाई पैसा दे दूंगा, जाना पेमेंट कर देना तेरा. पैसा नहीं है कसम, मेरा पैसा नहीं है. रॉक पेमेंट दोस्त दोस्त ना रहे ते भाई, पैसा दे पैसा दे ना, जाने तिमी नहीं जाएगा. हाँ तो पैसा दो, मतलब जाना लेकिन पैसा नहीं देगा. सो यहाँ पे अभी आप ट्रांसपेरेंट तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े ये जयगांव इंडिया है, एंड वहाँ पे फुनचुलिंग भूटान है. बट ये जो अभी आपको दिख रहा है ये कुछ दिन बाद नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे 12 फीट का कॉन्क्रीट वॉल उठ रहा है, एंड उसके ऊपर फिर और कुछ तो रोल एंड ऑल आने वाला है. तो ये चीज़ थोड़ा सा सैड न्यूज़ है हम लोग जयगांव के तरफ से, एंड जो भूटान फुनचुलिंग जो लोकल एरिया उन लोग से थोड़ा सा कनेक्शन जो है टूटते हुए दिख रहा है. मैं उधर उस नेक्स्ट लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग का मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं आपस का जो कनेक्शन है टूटते हुए दिख रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो फुल इस तरीके से जो है 12 फीट का कॉन्क्रीट वॉल होगा, एंड 2 फुट का और भी कुछ आने वाला है. तो ये जो है बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है. प्रेम भाई कांदा ले लो, तो कांदा प्याज ले कांदा भन्छ. सो अभी मार्केट आए कुछ सब्जी वब्जी लेने, देख सकते हो सब्जी ले रहा है मस्त वाला.
सो फाइनल अपडेट ये है कि बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, यहाँ पे मैंने सारा बैग वगैरह पैक कर दिया। एक मैं ये बैग लेके जाऊंगा जहाँ पे मेरा शूज एंड यहाँ पे मेरा दो जैकेट एंड कुछ कपड़े, और एक ये वाला बैग होगा जिसके अंदर जितना भी एक्सेसरीज एंड ऑल है वो सब रहेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक ये ट्राइपॉड भी लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे चीज मेरे को काम आएंगे। एंड ये वाला एक बैग रहेगा जिसमें वॉलेट एंड ऑल या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं रखने वाला हूँ जो कि अपने पास रहेगा एनी टाइम। तो ये सारा चीज मैंने पैकिंग कर लिया है और ये वीडियो मेरे को आज मैं एडिट करके कल मैं पोस्ट करना है कि आप सभी को मालूम चले कि वी आर कमिंग सिक्किम। तो आप लोग जो भी सिक्किम से देख रहे हो ढेर सारा कमेंट्स मेरे को आए हुए न्यू व्लॉगिंग चैनल पे, तो यस वी आर कमिंग टू मीट यू। एमजी मार्केट वगैरह में घूमेंगे बहुत, तो अगर आपको ये व्लॉग टाइम पे मिलता है तो कभी कभी घूमते रहना शाम के टाइम में, हम लोग जरूर आपको मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा प्यार लव सपोर्ट आया है इस चैनल में, थैंक यू सो मच तहे दिल से भाई। बहुत अच्छे व्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे से तरीके से बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भाई इतना आपका प्यार लव सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड मेरा एक और मेन चैनल है वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मैं टेक बनाता हूँ, ये वैसे कि मेरा स्टूडियो है अभी बहुत ज्यादा गंदा ही नो, आऊंगा तो फुल क्लीनिंग कर देंगे भाई। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। इस व्लॉग में मेरे तरफ से सिर्फ इतना। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना।